राधे, कैसे हैं आप? आपके घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा राधे राधे प्रणाम। आपकी इस बेटी की यही तमन्ना रहती है कि आप लोग सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाल किताब के कुछ अचूक उपाय, जैसे कि राहु केतु। जी हाँ, आजकल के समय पे हर किसी को यही परेशानी आती है, हमारे राहु केतु हमारे अनुकूल नहीं है, या कहीं राहु केतु की दशा तो नहीं चल रही, या किस भाव में वो हमें अनुकूल रहते हैं या किस भाव में हमारे प्रतिकूल रहते हैं, किस तरह से वो स्थिति ऐसी हम जान सके कि हमारे राहु केतु हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो कुछ ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आई है आपके एस्ट्रोलॉजर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर सलाहकार, वास्तु भी जानती हूँ, रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ और नंबरोलॉजर भी जानती हूँ। अगर किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, या व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। तो चलिए आगे की जानकारी बताते हैं। जैसा कि अगर आपके आठवें भाव पर या बारहवें भाव में राहु हो केतु हो या उनकी दृष्टि पड़ रही हो या दशा चल रही हो, तो किस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही साथ आपको गुप्त शक्तियों की डर हमेशा सताता रहता है, या तो भी आपको शारीरिक कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, कुछ ऐसी बीमारी आपको अंदरूनी आपको ऐसी बीमारी होती है, रिपोर्ट आपकी ठीक होने के बावजूद आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आप स्वस्थ नहीं रहते, या किसी ना किसी तरह की बीमारी आपको ग्रस्त रहती है, या बीमारियों से आप ग्रस्त होने की वजह से आप मानसिक तनाव भी आपके अंदर देखने को मिलता है, जिस तरह से कह सकते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं, या अनिद्रा की बीमारी आपको हो सकती है, या रात को ऐसे कुछ सपने आ सकते हैं जिससे आप डर कर उठ जाते हैं, भयभीत रहते हैं, कुछ अंत कहीं ऐसी बातें होती हैं जिनसे आप हमेशा डरे रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर या गुप्त शत्रुओं को लेकर या कुछ ऐसी अनहोनी बातों को लेकर कि हाँ कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया या कोई ऐसी नजर तो नहीं लगी, कुछ ऐसी ही परेशानियों से आप घिरे रहते हैं। तो आपको जान लेना चाहिए कि आपके राहु केतु आपके अनुकूल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की आपकी स्थिति हो रही है या ऐसे लक्षण आपके जीवन में आपको हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक लाल रंग का कपड़ा लेकर, जी हाँ एक लाल रंग का कपड़ा लेकर उसको थैली बनाकर, जैसे चकोर कपड़ा लेकर उसको आप सिलकर एक तरफ से खुला रखना है, उसमें आपको सौंफ और कुछ मिश्री या सॉरी देसी खांड भी आप ले सकते हैं, देसी खांड उसमें डालिए, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच देसी खांड और कुछ मूंगा, एक मूंगा का मतलब नग आप उसमें डाल सकते हैं। इन सबको बांध कर आप अपने तकिए के नीचे जिस वक्त आप सोते हैं या अपने पास कंटिन्यू अपना रखिए। ये कार्य आपको इतवार को या करना है, क्योंकि अगर मंगलवार को आप ये कार्य करते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप ये रविवार को भी कर सकते हैं। आपको ये कार्य शुक्ल पक्ष की मंगलवार या रविवार को ही प्रारंभ करना है और कंटिन्यू अपने पास ही आपको जो थैली मैंने बनाने के लिए आपको कही है ये आपके पास आपको रखनी है। ये बहुत ही लाल किताब का बहुत ही चमत्कारी उपाय है राहु और केतु को अपने अनुकूल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी तरह की आपको राहु और केतु से संबंधित ऐसी परेशानी हो रही है तो आपको ये पोटली बनाकर अपने पास अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि सौंफ जो है वे भी राहु का कारक है, देसी कहान है वे भी राहु का कारक है, और मूंगा है मंगल का कारक, क्योंकि जो राहु है वह हाथी के समान होता है, वो जो मंगल है, मंगल लाल रंग की पोटली आपको बोला लाल रंग के कपड़े की पोटली बनानी है, ये मंगल का कारक है, मूंगा मंगल का कारक है, या कौन सा जो मंगल ग्रह है वह है महावत, अगर महावत होगा तो वो हाथी को कंट्रोल कर सकता है, तो इसीलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको इस तरह से ये अगर बनाकर पोटली अपने पास रखते हैं तो राहु आपका कभी भी अहित नहीं कर सकता, आपका कभी बुरा नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये पोटली आपको बनाकर अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। 41 डेज तक तो रखनी ही चाहिए, अगर आप लगातार अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं तो आपको ये लाइफ टाइम तक के रखनी चाहिए। अगर किसी वजह से ये पोटली खराब हो जाती है तो आपको दोबारा से ही ये उसको जलप्रवाह करके या भूमि विसर्जन कर देना चाहिए, फिर दोबारा से नई पोटली बना के अपने पास रखनी चाहिए। ये बहुत ही राहु और केतु को कंट्रोल करने का बहुत ही अचूक उपाय है, कर लीजिए, इससे आपकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियाँ दूर होंगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा कुछ नई जानकारी लेकर आपके साथ जल्द उपस्थित होंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आगे लेती हूँ, राधे राधे। Thank you.